प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सेकेंडरी से कैसा होता है ये दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे मेरे साथ बने रहिए, आपको सेकेंड एसी के बारे में विशेष जानकारी देता हूँ। बेसिकली सेकेंड एसी और थर्ड एसी में इतना ही फर्क है कि थर्ड एसी में देखिए ये मिडिल वाला बर्थ होता है, ठीक है, लेकिन सेकेंड एसी में केवल दो ही बर्थ होता है। आप देख सकते हैं कि एक ये अपर बर्थ और ये लोअर बर्थ, ये देखिए एक अपर बर्थ और लोअर बर्थ, ये पूरा एक केबिन बना होता है, ये आप देख सकते हैं, इसमें मिडिल बर्थ नहीं होता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपके प्राइवेसी के लिए पूरा लॉक रहता है, पैक रहता है पर्दे से, आप देख सकते हैं। ये अभी पूरा का केबिन हम ही लोग का है, क्योंकि हम लोग चार ट्रेनिंग्स हैं तो चार सीटी हम लोग को अलॉट किया गया है। कभी मौका मिला आप लोग को तो ज़रूर सेकेंड एसी में सफ़र का आनंद दीजिएगा, ये बहुत ही रोचक होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और सेकेंड एसी में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसे हम लोग को ये रेलवे पास मिला हुआ है, उसी पे सेकेंड एसी का टिकट हुआ है। केबिन ये देखिए, सभी लोग अपना पर्सनल है, ये आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बेड रोल के बारे में बताता हूँ। देखिए इसको बेड रोल बोला जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस पैकेट में दो चादर और एक तौलिया है। यात्रियों से अनुरोध है कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कर। सोने के लिए चादर और ये जो तकिया दिया रहता है ना, इसी को बेड रोल बोलते हैं। देखिए ये तकिया लगा हुआ है, एक चादर है, ये ओढ़ने वाला दिया हुआ है, ये बेडशीट है, ये ओढ़ने वाला है, ये एक देखिए तौलिया भी दिया हुआ है जो अभी मैं यूज करूँगा इसको, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका टॉयलेट है, वॉशरूम है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल चटाचट, देखिए बिल्कुल साफ सफाई रहता है इसमें। मैं अपना बैग ये देखिए मेरा सीट है, मैं अपनी सीट पे आ गया। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, यदि जानकारी मिली हो बेड रोल के बारे में, सेकेंड एसी के बारे में, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।